ऐसी आरसीसी लगाई गई है कि शायद इसको रोलर भी, अगर हम रोलर की बात करें, जेसीबी की बात करें, तो जेसीबी नहीं तोड़ सकती। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या किसान से सरकार जो है वो डर रही है? बैरिकेटिंग लगी हुई है, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि उस साइड तक आप दिखा दें ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि बैरिकेटिंग कितनी मजबूत लगाई गई है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि उस साइड जो है हम देख सकते हैं कि वाटर कैनन की मशीनें जो है लगी हुई है, सीआरपीएफ लगी हुई है, दिल्ली पुलिस लगी हुई है, बैरिकेटिंग जो है वो लगातार एक के बाद एक लगाई गई है। उस साइड जो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आकाश कि उस साइड जो किसानों ने वो डंडे लगा रखे हैं उसको भी दिखाएं ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि इस साइड जो किसानों ने है वो आना बंद कर रखा है। जो मीडिया कर्मी है उन्हीं को आने की यहाँ पे इजाजत दी गई है ताकि लोगों तक जो ये बात है, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी पहुंच सके, साथ ही साथ जो सरकार रोकने का प्रयास कर रही है वो भी लोगों को पता चल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNN इंडिया, मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। हर बार हम आपको गाजीपुर की अपडेट देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आंदोलन ये कैसा चल रहा है। अभी तक किसान जो थे वो तीन काले कानून को लेकर सरकार से मांग कर रहे थे, सरकार भी यही कह रही है तब से कि हम ये जो काले कानून है इसे वापस नहीं लेंगे। ऐसे में 26 तारीख को जो वारदात हुई, जो वहाँ पर टेंशन हो रखी थी दिल्ली में, क्योंकि किसानों ने लगातार जो उनके पास ट्रैक्टरें थी उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी थी, उसको संभालने के लिए या फिर कहिए कि किसान को रोकने के लिए सरकार ने अब जो बैरिकेडिंग है उसको मजबूत कर दी है। गाजीपुर बॉर्डर पे ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बैरिकेटिंग लगा दी गई है, काफ़ी लेयर्स में लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि इसमें ऐसा कर दिया गया है कि पहले जो है बैरियर्स लगाए गए हैं, इसके बाद आरसीसी की जो पिलर्स है वो रख दिए गए हैं। इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं, सबसे ज़रूरी चीज़ कि ये आरसीसी जो है वो अभी लगाई गई है, जो शायद जिसको घर बनाने में हम यूज़ करते हैं या फिर पिलर्स बनाने में यूज़ करते हैं, ऐसी आरसीसी लगाई गई है कि शायद जिसको रोलर भी, अगर हम रोलर की बात करें, जेसीबी की बात करें, तो जेसीबी नहीं तोड़ सकती। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या किसान से सरकार जो है वो डर रही है, क्योंकि किसान आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने बताया था 26 जनवरी को, पहले ही ये सबको पता था कि किसान जो हैं वो रैली करेंगे, तो उन्होंने रैली की, लेकिन उनकी जो रास्ते थे वो कंफर्म नहीं थे। किसानों ने हर बार ये बात कही कि हमें रास्ते नहीं बताए गए थे, जो रास्ते थे वो बाद में चेंज हो गए थे, इस वजह से हमें दिक्कत हुई। और ऐसे में ये भी कहा गया था कि जो किसान थे वो छोटे छोटे गुट में डिवाइड हो गए थे, कई बॉर्डर्स पे किसान थे, हर बॉर्डर से किसान जो था वो बीच में जाने की कोशिश कर रहा था। उसमें किसानों का बाद में ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लोग थे, क्योंकि दीप सिद्धू की जो तस्वीरें थी वो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, जो दीप सिद्धू थे वो बीजेपी से हमेशा उनके साथ फोटो दिखाई गई। ये भी दिखाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो कई अक्सर देखे गए हैं, उनकी फोटोज़ वायरल हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि क्या दीप सिद्धू ने कराया था, क्योंकि अभी तक उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि इसके पीछे नीचे अगर बात करेंगे तो नीचे लगातार पुलिस है, उस साइड बात करेंगे तो हर रोड पर मैं आपसे आकाश गुजारिश करूंगा कि उस साइड भी कैमरा घुमा दें ताकि लोगों को यह पता चल सके कि उस तरफ भी कितनी तादाद में पुलिस जो है वो दिख रही है। लोग जो है वहां पे भी आंदोलन कर रहे हैं, नीचे भी आंदोलन हो रहा है, किसान ब्रिज के नीचे भी बैठे हुए हैं, बैरिकेटिंग लगी हुई है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि उस साइड तक आप दिखा दें ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि बैरिकेटिंग कितनी मजबूत लगाई गई है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि उस साइड जो है हम देख सकते हैं कि वाटर कैनन की मशीनें जो है लगी हुई है, सीआरपीएफ लगी हुई है, दिल्ली पुलिस लगी हुई है, काफ़ी जवान लगे हुए हैं। तो एक दिल्ली पुलिस ही खाली यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर काफ़ी पुलिस बल आपको दिखाई देगा। मैं आपको सबसे ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो आरसीसी की ये जो बीच में पोल्स बनाए गए, क्या इसकी ज़रूरत थी? क्या सरकार को आरसीसी पोल्स बनाने की ज़रूरत थी? क्योंकि सरकार, किसानों ने तो ये कह दिया था कि हम 26 जनवरी को अपना परेड निकालेंगे, सरकार को भी ये बात पता थी, मीडिया ने भी ये बात दिखाई और हर किसी को ये बात पता थी। ऐसे में अब इस तरीके के इस्तेमाल करना, अब आरसीसी लगाना, क्योंकि किसान शायद इसी देश के किसान है, शायद हम सब के घर से ही कहीं ना कहीं किसान जो है वो रिलेट करता है, हम सब जानते हैं। ऐसे में क्या ऐसी बैरिकेटिंग लगाना या फिर नीचे पुलिस प्रशासन को इस तरीके से खड़ा कर देना, 12-12 लेयर में जो पुलिस है वो खड़ी हुई है, बैरिकेटिंग जो है वो लगातार एक के बाद एक लगाई गई है। उस साइड जो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आकाश कि उस साइड जो किसानों ने वो डंडे लगा रखे हैं उसको भी दिखाएं ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि इस साइड जो किसानों ने है वो आना बंद कर रखा है। जो मीडिया कर्मी है उन्हीं को आने की यहाँ पे इजाजत दी गई है ताकि लोगों तक जो ये बात है, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी पहुंच सके, साथ ही साथ जो सरकार रोकने का प्रयास कर रही है वो भी लोगों को पता चल सके।
अगर आपको लगता है कि सरकार जो है वो अपने जगह सही है या फिर किसान अपने जगह सही है तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ गाजीपुर के हर अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।